दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे झारखंड राज्य का एक खूबसूरत जिला रामगढ़ के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि झारखंड के इस जिले की कई ऐसी खासियत है जिसे आप शायद ही जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर चलते हैं रामगढ़ की शानदार सफर में। रामगढ़ झारखंड राज्य में स्थित अपने खूबसूरत पर्यटक स्थलों के कारण पूरे भारत में जाना जाता है। वहीं रामगढ़ जिला उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इस जिले का प्रशासनिक मुख्यालय रामगढ़ छावनी है। रामगढ़ तकरीबन 1360 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। वहीं जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार रामगढ़ जिले की जनसंख्या 950,000 से ऊपर थी। जनसंख्या के मामले में रामगढ़ झारखंड राज्य का 17वां सबसे बड़ा जिला और 9वां सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है। रामगढ़ में 1000 पुरुषों पर 925 महिलाएं हैं। वहीं रामगढ़ की प्रत्येक आबादी 700 प्रति वर्ग किलोमीटर पर रहती है। रामगढ़ झारखंड राज्य में क्षेत्र के हिसाब से सबसे छोटा जिला है, जो 6 ब्लॉकों में बटा हुआ है, जिनमें चितरपुर, गोला, दुलमी, मांडू, पतरातू एवं रामगढ़। वहीं रामगढ़ जिला हजारीबाग, बोकारो, रांची एवं पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले से घिरा हुआ है। रामगढ़ की कुल आबादी में 82% हिंदू, 13% मुसलमान, 3% सरना, बाकी 2% अन्य समुदाय के लोग रहते हैं। वहीं झारखंड की राजधानी रांची रामगढ़ से लगभग 55 किलोमीटर दूर है। रामगढ़ शहर की वाहन पंजीकरण कोड JH24 है। वहीं रामगढ़ झारखंड राज्य का इकलौता ऐसा जिला है जो पश्चिम बंगाल से सबसे छोटी सीमा साझा करती है। इतना ही नहीं, रामगढ़ जिला झारखंड राज्य का 4था सबसे अधिक पढ़े लिखे लोगों वाला जिला भी है। और तो और दोस्तों, रामगढ़ भारत की 2 सबसे पुरानी पैदल सेना रेजिमेंटों का रेजिमेंटल केंद्र भी है। वहीं रामगढ़ जिला झारखंड राज्य का एक छोटा जिला होने के साथ साथ राज्य में एक लौता छावनी शहर भी है। इसके अलावा ये जिला अपने आस्था से भरा रजरप्पा मंदिर के लिए पूरे झारखंड में प्रसिद्ध है। वहीं रामगढ़ जिले की सबसे बड़ी ब्लॉक मांडू और सबसे छोटी ब्लॉक चितरपुर है। रामगढ़ जिले से बहने वाली मुख्य नदी दामोदर नदी है। कई बॉलीवुड फिल्मों ने भी रामगढ़ की खूबसूरती को पूरी तरीके से कैमरे में कैद किया है, जैसे कि काला पत्थर, कोयलाचल, शोले, MS धोनी एवं रांची डायरीज सहित कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग यहां की गई है। वहीं रामगढ़ जिले में बोले जाने वाली मुख्य भाषाएं कोरथा, हिंदी, उर्दू, संथाली, भोजपुरी, महंगी, सादरी एवं बंगाली है। रामगढ़ जिले की कुल साक्षरता दर 74% है। वहीं यहाँ की शिक्षा संस्थानों को देखें तो राधा गोविंद यूनिवर्सिटी, रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज, गिरजा इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटेक्निक कॉलेज, राधा गोविंद टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, रामगढ़ वुमेन्स कॉलेज, छोटा नागपुर कॉलेज एवं रामगढ़ कॉलेज जैसे कई अन्य शिक्षा संस्थान यहाँ पर स्थित है। रामगढ़ झारखंड राज्य का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षेत्र रहा है। इस क्षेत्र पर मौर्य, गुप्त, मुगल और अंत में अंग्रेजों जैसे राजवंशों का शासन रहा है। दामोदर नदी के तट पर बसा रामगढ़ जिला बनने से पहले हजारीबाग जिले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था। वहीं 12 सितंबर 2007 को रामगढ़ राज्य में जिले की कुल संख्या को 24 तक ले जाने वाला एक नया जिला बन गया, जो आज अपने कई खूबसूरत दर्शनीय स्थलों और कई मूल्यवान संसाधनों के कारण पूरे झारखंड राज्य में जाना जाता है। रामगढ़ पहुंचने के लिए रेल, वायु एवं सड़क मार्ग के जरिए पहुंचा जा सकता है। रामगढ़ का रामगढ़ कैंट रेलवे स्टेशन जिले का मुख्य रेलवे स्टेशन है। वहीं यहाँ पर बरकाकाना, पतरातू, भुरकुंडा, चैनपुर,
रांची रोड, अरिगंडा, गोला रोड, मेल और बरलंगा रेलवे स्टेशन रामगढ़ जिले की सेवा करने वाली अन्य रेलवे स्टेशन है। लेकिन रामगढ़ कैंट रेलवे स्टेशन रामगढ़ जिले का ही नहीं बल्कि झारखंड के व्यस्त रेलवे स्टेशनों में गिना जाता है। ये रेलवे स्टेशन झारखंड के सभी रेल नेटवर्क वाले शहरों से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा रामगढ़ अपने सड़क मार्ग के जरिए रांची, बोकारो, हजारीबाग एवं पश्चिम बंगाल से सीधे जुड़े हुए हैं। वहीं वायु मार्ग की बात करें तो निकटतम हवाई अड्डा रांची में बिरसा मुंडा हवाई अड्डा है, जो भारत के सभी बड़े शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। ये हवाई अड्डा रामगढ़ से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है। इनके जरिए आप रामगढ़ आसानी से पहुंच जाएंगे। वहीं रामगढ़ की पर्यटक स्थलों की बात करें तो यहाँ पर कई खूबसूरत पर्यटक स्थलें देखने को मिलता है, जैसे कि रजरप्पा में माँ छिन्मिस्तिका मंदिर, रामगढ़ कैंट में माता वैष्णो मंदिर, चितारपुर में जामा मस्जिद, पतरातू में पतरातू डैम एवं लेक रिसोर्ट, रजरप्पा में रजरप्पा फॉल्स, रामगढ़ से 10 किलोमीटर की दूरी में टूटी झरना मंदिर और पतरातू में पतरातू वैली यहाँ का प्रमुख देखे जाने वाला स्थान है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।